ये हमारा लास्ट व्लॉग हो सकता है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, इसके बाद शायद हमको यूट्यूब पे नहीं दिखूंगा मैं। ये इको पार्क एक सीरियसली कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि वो कितने टाइम से इस बस में ट्रैवल करें। बड़ा रिस्क लेने वाले आज हम जा रहे हैं रियाज के कॉलेज में, सही है। हाँ तो गाइस हम जा रहे थे बारामूला, मगर ओ ये का SRTC भाई, तो भाई SRTC थोड़ी ना है, सफेद सफेद तो है ना यार, तू पागल है यार। अरे भाई चलते हैं, इसमें मजा आएगा। ये SRTC थोड़ी ना है, सफेद है ना बस, ये सफेद है क्या, सफेद रुक जा, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी बस है, रुको। एंगल से SRTC दिख रही है आपको, ये बताओ मुझे, सफेद सफेद है, ये सफेद के चक्कर में, SRTC समझ के चल ले इसमें, चढ़ा जा, चढ़ तेरे को मैं SRTC में चढ़ाता हूँ, चढ़ चढ़ SRTC। तो आप सोच रहे हो कि मैं बस में क्या कर रहा हूँ, नहीं तो सीन ऐसा है, आज हम व्लॉग करेंगे बस में उड़ी टू बारामूला, और आपको दिखाएंगे कि बस का एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आप बस में ट्रैवल करते हो, सही है। तो ड्राइवर अंकल भी सेटिस्फाइड है, बोलते हैं आपको जो करना है करो, व्लॉग करो, वीडियो करो, प्रैंक करो, कोई मसला नहीं है, सब कुछ करो। तो अपनी बस है गाइस, चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। तो बन जाना भाई कंडक्टर, बन जाए इधर खड़ा हो जा। गाइस आज कंडक्टर नहीं आया तो ये काम भी हम ही करेंगे, टेंशन नहीं है। बारामूला बारामूला बोन यार, बारामूला बोन यार, श्रीनगर बोल दू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, श्रीनगर 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 भाई, ये मेरे को भाई ड्राइवर निकाल देगा बस से, मेरी हरकतें उल्टी है, बट सर्दी बहुत ज्यादा। बारामूला बारामूला आ जाओ, गाइस कुछ नहीं हुआ, गाइस वापस जा रहा हूँ, गाइस चुपचाप बैठ जाऊंगा सीधा बारामूला पहुंच जाएंगे। आज हम जा रहे हैं बारामूला और पूरे बस का व्लॉग आपको दिखाएंगे कि बस में हम कैसे ट्रैवल करेंगे, पैसेंजर से बात करेंगे और उनका भी एक्सपीरियंस लेंगे हम कि वो कितने टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं और बस में ही क्यों ट्रैवल करते हैं। सो आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आरंभ हो गया हमारे बस के व्लॉग का, सवारियां स्टार्ट हो गई आना, तो अब मज़ा आएगा व्लॉग में, चलें जी। तो फाइनली गाइस ये आ गए हमारे कंडक्टर साहब जो लोगों से किराया ले रहे हैं और हमसे भी लेंगे, जल्दी जल्दी आ गए। अब ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ये जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं इनसे भी बात करेंगे कि वो इस बस में या फिर किसी भी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है बस को लेके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप मुझे बताओ आप कितने टाइम से ट्रैवल कर रहे हो बस में? बहुत टाइम से, 40 साल से। अच्छा 40 साल से आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, मतलब क्या अलग लगता है आपको बस में और तवेरा सोमो में ट्रैवल करना? उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम थोड़ा लेट लगता है, बट पैसे के हिसाब से देखा जाए तो बस थोड़ा कम पैसा लेती है और सोमो थोड़ा ज्यादा पैसा लेती है, बस इतना ही फर्क है। अंकल आप मुझे बताएं आप कितने टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं बस में? 30-40 साल हो गए। 30-40 साल? अच्छा क्या एक्सपीरियंस है, मतलब बस में ट्रैवल करना क्यों पसंद है आपको? उसमें किराया कम है। अच्छा ऐसा किराया कम है, उसमें 120 है, इसमें 60 रुपए। तो इनका कहना ये कि इसमें 60 रुपए आइए और सोमो जो तवेरा है वो 120 रुपए लेती है ट्रैवल कर उड़ी से बारामूला तक, तो ये इसका बेनिफिट है। अच्छा अच्छा सर्दी के बारे में बताएं कुछ? सर्दी तो है ही है, सर्दी बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है। अच्छा बारामूला जा रहे हो? पावर तो है नहीं, पावर नहीं, पावर के बाद में जो आप वो पैसे लेने के लिए जो फट आ जाती है वो इनाम लिए बिल। गाइस मैं साथ साथ मीडिया वाला भी टेंशन, मतलब ये बात इनकी उठाई जाएगी और ये जो सुन रहा है थोड़ा सीरियस ले, और सीरियसली लाइट नहीं है, रात को भी बहुत ज्यादा 0.91 वोल्टेज था, हम नहीं होता ये पावर ही होता है। अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में और इनका गुस्सा जायज भी है क्योंकि तो लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल लेने के लिए लेने के लिए ये तो बात है। सही बात है, सही बात। अगर 2 दिन लेट हो गया तो 4-5 रुपया होगा एक्स्ट्रा ऊपर।
A few moments later. So guys, finally हम चंदवाड़ी पहुंचे हैं। टाइम बताओ क्या हो रहा है? लोने पो। ये रात तो गेम बजाना पड़ेगा। सीन ऐसा है कि इसने मेरे को उड़ी में चाय पीने नहीं दी। इसने बोला हम बारामूला में जाके चाय पियेंगे। सर्दी इस कदर है कि अभी मार्केट भी खुला नहीं है। इनकी तरफ कैमरा करो, ये भैया भी आए हमारे। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? कहाँ रहते हो? चंदवाड़ी रहते हैं। आप मुझे बताओ, ये अभी मार्केट अभी तक खुला क्यों नहीं है यार? क्या मसला है? जब धूप धूप खुलती है तो नॉर्मली अभी ऐसे ही चलेगा, एक महीने तक ऐसा ही चलेगा। अगर बर्फ़ पड़ती है तो चीज़ें और भी वर्स्ट होती जाएगी, और भी लेट होगा। जैसे अभी लोग 11 बजे आएंगे, 10:30 आएंगे, जब बर्फ़ पड़ेगी तो जो है भाई इंटरव्यू ले रहा था, तू कहाँ जा रहा है? तेरे पैसे काटूंगा मैं, ध्यान रख। मैं इंटरव्यू दे रहा था यार। फाइनली गाइस हम बोनियार पहुंच गए अभी। और टाइम रियाज, टाइम बता ब्रो। इसने कभी मेरे को सही टाइम नहीं बताया। सो देखते हैं क्या सीन है। माइक मैंने लगाया था, उसमें आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आई है। उसका एक सीन है, पता नहीं क्या मसला है। अब मैं घर जाके सही करूँगा, बट अभी थोड़ी सी हम गर्मी कर लेते हैं। मुझे आग दिखी जलते हुए यार। अभी मैं गर्मी करने आया था भाई साहब, वहाँ आग जल रही थी। मैंने सोचा था मैं हाथ थोड़े गर्म कर लूँगा, बट नहीं हुआ। तो अभी हम बोनियार से निकले हैं, अभी हम जाएंगे बारामूला। देखते हैं बारामूला कब तक पहुँचते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे कंडक्टर हैं वो बहुत स्टाइलिश हैं और कूल हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। यही एक अच्छी चीज़ है। मसला ऐसा था, मैंने सोचा था आज हम बस में ट्रैवल करेंगे और टू बारामूला बहुत मज़ा आएगा, मगर सर्दी भाई साहब इस लेवल की है, इसकी कोई हद नहीं है। सो देखते हैं क्या सीन है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा हमें बारामूला तक। तब तक ब्लॉग में बने रहो गाइस। देखो गाइस, देखो गाइस, फॉग कितना है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो ये शेरी है, और देखो आप फॉग कितना है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है। तो गाइस ये है शेरी का मार्केट, ये चेक करें आप, चेक करें माशाल्लाह। ये है हमारी फरारी, और ये है हमारे मोहतरम अजीज। सर सर्दी कैसी लग रही है आपको? सर्दी बहुत ज्यादा है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। ये क्या हाथ में? दे दो इधर, दे दो सर। मुझे नहीं पता था इतनी ज्यादा सर्दी होगी, बट लिटरली जान लेने वाली सर्दी है बारामूला में। ये इको पार्क है, सीरियसली कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा फॉग है यहाँ पर। गाइस फाइनली हम बारामूला पहुंच गए। बारिश पड़ रही है क्या? ना यार, इतनी ज्यादा सर्दी है ना बारामूला में जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा फॉग है। गाइस ये बस स्टैंड का व्यू है, अभी इतनी ज्यादा सर्दी है कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखो, ये है मार्केट बस स्टैंड के बाहर का। ये देखो दो मुसाफिर मेरे पीछे चल रहे हैं। मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आज एक्सेप्ट किया कि बोला कि हाँ मैं बारामूला जाऊंगा। सर्दी इस कदर है ना कि तुम्हें मरना गवारा होगा पर बारामूला आना गवारा नहीं होगा। ये हमारा लास्ट व्लॉग हो सकता है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। इसके बाद शायद हम यूट्यूब पे नहीं दिखूंगा मैं। इसने बोला है कि हमें कहीं जाना है, सबसे पहले हम कुछ खाएंगे पियेंगे यार, बहुत ज्यादा मैं ऐसे ही निकला हूँ विदाउट ब्रेकफास्ट, मैं घर से बाहर निकला हूँ। सबसे पहले हम पियेंगे चाय, उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस अभी हम चाय पीने आए हैं, इधर थोड़ी देर रुक जाए यार। चाय में हाथ डालोगे? भरोसा भी नहीं है जिस हिसाब से है। एक तो मेरी मैं उन्हें देखो क्या किया है मुझे यार, ये देखो मोए। ये देखो एक स्पेशल मैसेज है, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं बारामूला आ गया, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखेंगे उड़ी में ही। और चाय दे दो मुझे, ये कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जाऊंगा मैं भाई, इसके अंदर सर्दी है अल्लाह की कसम।
भाई जी एक रिक्वेस्ट है, भरमला मत हो प्लीज, मेहरबानी करो जो भरमला वाले हो घरों में रहो, कोई फायदा नहीं है, जिंदा रहोगे तो पैसे कमाओगे। चाय पी लेते फिर आपसे मिलते हैं। आज हम जा रहे हैं रियाज के कॉलेज में, सही है मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, इसने बोला चल मेरे साथ क्लास में बैठ जाना क्लास लेंगे, तो ये बहुत रिस्की काम है, तो इसके लिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है और कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आपको कैसी लगी। सही है रियाज सीधा अंदर, कॉलेज का नाम तो बोल दें। मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं भी क्लास ले लूँगा आज, देखूँगा क्या करता है लड़का अंदर जाके, पढ़ता भी है कि नहीं, तो इसका कॉलेज आ गया, चलो चलते हैं। तो गाइस ये एंट्रेंस है कॉलेज का, चलो गाइस हम जा रहे हैं। विशेष लक यही है क्या? अबे कॉलेज के रूम पे ले जा रहे हैं। सर मैं ले रहा हूँ क्लास, सही है अब वो नहीं पता है कि क्या होगा आगे, बट ठीक है हम आगे क्लास में मैं घुस गया हूँ। आज हम लेंगे क्लास, कौन सी क्लास लेंगे? आज हम लेंगे एनाटॉमी की क्लास लेंगे। अच्छा एनाटॉमी की क्लास लेंगे। इनके बैग में बुक्स हैं, मेरे बैग में ट्राइपॉड होता है, कैमरा होता है, माइक होता है, मज़ा आएगा मुझे, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आने वाला है। तो क्लास स्टार्ट होती है फिर आपको मिलता है ना। हाँ तो ये जो आप देख रहे हो इसका नाम रियाज है, इसका एक YouTube चैनल है जिसका नाम है प्रैंक जोन, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके विजिट करें इसके चैनल को, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, ये प्रैंक वीडियोस बनाता है। अबे क्या बोल रहा है पिलियल बो। तो इसका एक पुराना चैनल चल रहा था जिसके 2K सब्सक्राइबर्स थे, तो वो टर्मिनेट हो गया फॉर सम रीजन, तो इसका वो चैनल उड़ ही गया यूट्यूब से, तो अभी इसको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आके इसके चैनल को विजिट करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, और मेरे को तो आपको पता ही है हमारा एक अलग रिलेशन है। तो कैसा लगा अदनान भाई आपको आज क्लास लेके? क्लास जो ली है मेरे को इतना सुकून मिला है, बट समझ कुछ नहीं आया। ये जो मेडिकल वालों की पढ़ाई है ये मेडिकल वालों को मुबारक, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मैं अब जा रहा हूँ किसी और कॉलेज में क्लास लेने। बाय बाय।